गाइस, गुड मॉर्निंग। आज नए दिन की शुरुआत हो गई है, तो आज हम हैं अभी अपने ऑफिस में और आज है संडे, तो हम कुछ प्लान कर रहे हैं संडे को क्या किया जाए, क्योंकि अभी बर्थडे भी निकले हैं, गाड़ी भी ली है, तो एक संडे राइड तो बनती है। तो एक हमारे दोस्त का भी बर्थडे था, तो फिर हमने सोचा चलो चलते हैं कहीं, अभी देखते हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेट बनाते हैं, क्योंकि सभी इधर उधर बिखरे हैं दोस्त यार, तो देखते हैं क्या कोऑर्डिनेशन बन पाती है, तो निकलते हैं कहीं। तो मौसम तो आज बढ़िया हो रखा है, धूप भी अच्छी निकली हुई है, 11 बज रहे हैं, तो देखते हैं अभी कितने बजे प्रोग्राम बनता है निकलने का। अभी बिकॉज शोरूम में जाना है अपने, थोड़ी देर ऑफिस में बैठते हैं, फिर शोरूम जाएंगे, शोरूम में काम करेंगे, फिर दोपहर तक देखते हैं क्या बनता है प्रोग्राम। होपफुली हम थार में ही जाएंगे, क्योंकि अभी नहीं ली है तो उसकी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, थोड़ा देखते हैं कि क्या फीडबैक आता है उसका, चला के पता चलेगा। अभी चलाई नहीं है मैंने भी ज़्यादा 2-3 दिन। मेन महल आपको हम अपनी सुल्तान दिखाते हैं, सुल्तान चमक रही है पूरी। तो अभी कमेंट करके ये तो बताओ कि हम राइड पे कहाँ जाएं सुल्तान को लेके। तो गाइज अभी हमारी सुल्तान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस इसमें लेग गार्ड रह गया लगाने को और फॉग लाइट्स लगी है, वो हम मंगवाई भी है, वो आ जाएगी जल्दी। तो अभी मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बताता हूँ, जो हमारे ये आर्म गार्ड्स हैं ये एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमें, और ये मैं बताऊँ हर बाइक में होने ज़रूरी हैं, हर बाइकर इस चीज़ को लगाओ, इससे क्या है कि आप लाइक बच सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगा, आपके आर्म्स खतरे में नहीं है, या अगर कभी गिरते हो तब भी कोई मसला नहीं है। तो अभी ये जो हमारा पीछे का ये हमने पैनियर लगा रखा है, ये हमें बहुत काम दे रहा है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी आपको मैं बताना चाह रहा था। तो ये पैनियर जो है ये मुझे बहुत काम दे रहा है, कि मुझे रेगुलर बेसिस पे अपना कुछ सामान लाना होता है तो ये इजीली उसमें आ जाता है, मेरे को ऐसा नहीं है कि हैंडल पे मैंने अपना कोई थैला लटकाया हुआ है, तो अपने वहाँ पर बड़े अच्छे से आ जाता है उसमें। तो मुझे था कि आज मैं आपको ये दो चीज़ें बताऊँ, बड़े दिनों से सुल्तान भी नहीं आपको दिखाई थी, तो थोड़ा सुल्तान के भी दर्शन करा दिए, और इसको भी ज़्यादा चलाने का टाइम नहीं मिला, लॉन्ग राइड पे जाने का टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं आपको थोड़ा हेलमेट के बारे में बताता हूँ। तो हेलमेट ये स्टड्स कंपनी का हमने लिया था, और इसके साथ हमने अभी एक मोबाइल स्टैंड मंगवाया है जो इसके आगे हम लगाएंगे। तो अभी ये है ऐसा कि एक्शन प्रो कंपनी का मंगवाया है हमने, ये ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगवाया है, तो बहुत बढ़िया आइटम है ये, अच्छी आइटम है कि आप इसको ईज़िली लगाओ अपने मोबाइल के आगे और अपना व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो अभी तो एज़ ऑफ नाउ मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ, अपने आईफोन से, फिर आगे देखते हैं गोप्रो लेते हैं। तो ये इस तरह से लग जाएगा आगे, पूरा स्ट्रैप से इसको अच्छे से डिटैच करके बंद करके, तो ये हो गया अब बढ़िया व्लॉगिंग के लिए। तो बहुत इजी है एंड लाइक नॉमिनल रेंज में है, आपको अच्छी कंपनी का एक्शन प्रो का भी मिल रहा है और 350 का मिल जाएगा। तो अभी आप ये जैसे देख रहे हो कि हम बातों ही बातों में हम निकल चुके हैं, शाम का अभी टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं, तो थोड़ा दिन में अपने शोरूम में और ऑफिस में बिज़ी थे, तो हम अभी निकल चुके हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, प्रोग्राम बना, और ये कुम्हारहट्टी की रोड है, तो अभी ये रोड आपको अक्सर हमारी वीडियोज़ में मिल जाएगी देखने को। तो देखते देखते हम पहुंच गए हैं सवाई ग्रीन्स, तो थोड़ा था कि थार की टेस्टिंग भी करें, और बढ़िया रोड भी है इधर, तो थार की हमने टेस्टिंग भी की है, और हम सवाई ग्रीन्स पहुंच गए हैं, थोड़ा मैकडी में भी जाएंगे, सवाई ग्रीन्स में भी जाते हैं, देखते हैं हिटिंग जॉइंट्स में जहाँ जहाँ भी हो पाया, तो यहाँ थोड़ा हम अपना फ़न करते हैं अभी थार के साथ, थोड़ा फ़ोटोग्राफी करते हैं, आपको भी फ़न कराते हैं, और बाकी पब्लिक रिएक्शन तो ख़तरनाक आ रहे हैं भाई साहब, ख़तरनाक। तो पब्लिक रिएक्शन की बात कर रहे थे हम आपको, तो सिस्टम तो हैंग कर दिया हमने वैसे, बिकॉज पब्लिक रिएक्शन ख़तरनाक आ रहे हैं।
अभी हम जा रहे हैं मैकडी, थोड़ा मैकडी का भी बर्गर टेस्ट कर लेते हैं जाके, कार्तिक आर्यन को मिल लेते हैं जाके। कार्तिक आर्यन काफ़ी टाइम से हमें बुला रहे थे, तो मैकडी वाले भैया को भी मिल लेते हैं। और कैसे हैं भाजी? सत श्री अकाल, मिलते हैं, बड़े दिनों से आप बुला रहे थे हमें, हम आएगी आज आपके पास। तो ये काफ़ी पुराना मैकडी है हाईवे का, लाइक ये सवाई ग्रीन आप सबको शायद पता ही होगा, बाकी जिसको नहीं पता हम बता देते हैं। ये परवानु और सोलन के हाईवे में आता है, NH5 में आता है, और इट्स बीन लाइक 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स ये यहाँ पर है, और काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा चल रहा है ये। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं सवाई ग्रीन में, ये देखिए इधर बैजिंग भी है महिंद्रा की। और गाड़ी लगेगी एकदम पार्किंग पे टिच। तो अभी हम जा रहे हैं सवाई ग्रीन्स, इधर रोपवे भी है, थोड़ा मौसम हो रखा है ऑसम, बारिश वारिश हुई है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी, हमें तो नहीं मिली रास्ते में, बट कह रहे हैं कि आके चक्की मोड़ पे बारिश काफ़ी हुई है। और ये हमें बुला रहा था बड़ी देर से, हम अब आ ही गए हैं। क्या हाल चाल है? हेलो 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 हेलो, चलो मिलते हैं, बाय। ये काफ़ी पुराना हीटिंग जॉइंट है इस एरिया का, काफ़ी। तो इधर डोमिनोज भी है, वेंगो है, समोसा है, कोस्टा कॉफ़ी आ गया, बास्किन रॉबिन्स आ गया, देन चावला चिकन है। तो अच्छे हीटिंग जॉइंट्स है, अच्छा जंक्शन है, इंडोर्स भी स्पेस है इनके पास अच्छा बैठने के लिए, और व्यू तो इस साइड बहुत अमेजिंग, आपको बाहर जाके दिखाते हैं भी व्यू। तो इधर कुछ एक लाइक टॉय शॉप भी है, गिफ्ट शॉप भी है, यहाँ पर कुछ शेक्स वगैरह आ जाते हैं। तो जेन गार्डन में हम आपको भी लेके जा रहे हैं, तो ये जेन गार्डन इनका आउटडोर स्पेस आ जाता है, और यही इसका बेस्ट पार्ट है, सब लोग यहीं आके बैठते हैं। और यहाँ पर क्योंकि वेदर आपको पता ही है हिमाचल का, इस साइड का हमेशा ही अच्छा रहता है, तो अगर लाइक समर्स भी हों तो यहाँ पर अच्छा ही इन्जॉय होता है, और बारिश वारिश आ जाए तो और भी बहुत बढ़िया रहता है यहाँ पर। तो बैठने के लिए भी अच्छा स्पेस बनाया हुआ है, ऊपर कवर्ड भी है अच्छे से, और अच्छा लाइक आप कह लो कि आराम से 6 to 8 टेबल्स लगे हुए हैं। तो इधर ये थोड़ा सा रिवर साइड आ जाता है, तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि रिवर साइड का एक व्यू अच्छा मिल जाता है, और रिलैक्सेशन थोड़ा मिल जाता है, पीस है इधर, तो कोई शोर शराबा नहीं है, इंजॉय करो, जो मर्ज़ी करो, पार्टी करो। तो ये एक हैपनिंग प्लेस है, काफ़ी सालों से ये जंक्शन पॉपुलर है, और ट्राई सिटी के काफ़ी लोग इस साइड आते हैं, एंजॉय करते हैं आके। तो आपको अभी इधर का हम राउंड लगा रहे हैं, तो आप आए ज़रूर आए इधर को, काफ़ी लोग आए भी होंगे ऑलरेडी। तो अभी नए नए जंक्शन पॉइंट्स खुल रहे हैं, बट लाइक ओल्ड इज़ गोल्ड, सही है। अभी हमारी गाड़ी लग गई है पार्किंग पे, और अभी हम जा रहे हैं फैंटेसिया, देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग है, गेम्स हैं, और लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स भी है, हराऊंगा रोहन को, हल्दीराम भी है, चलो कम लेट्स मूव। तो लो जी हम आ गए हैं फैंटेसिया, और अंदर हम आ गए हैं सबसे पहले बॉलिंग साइड, और इधर बॉलिंग है, इधर शूटिंग कार्ड्स है, उधर स्नो पार्क है, और इस साइड गेमिंग जोन है। तो ये शायद सेकंड फ्लोर में आता है, अभी हम लेफ्ट से सेकंड फ्लोर में आ गए हैं। तो बहुत सही लोकेशन पे बनाया गया, एकदम हाईवे पे है ये, और अभी न्यूली ओपन है, हार्डली इसको 6 to 8 मंथ्स ही हुए हैं, और हमारे पास भी इसकी मेंबरशिप है, आप लोग भी इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, बहुत नॉमिनल में पड़ेगी,
और यहाँ के एंजॉय कर सकते हैं। लाइक इट्स 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आराम से रिलैक्स अपना आउटिंग के लिए आ सकते हैं इधर। अगर किड्स हैं साथ में तो किड्स के लिए बहुत अच्छा है एरिया है घूमने के लिए। अडल्ट्स हैं तो अडल्ट्स के लिए भी गेमिंग जोन काफ़ी हैं। तो लाइक मिक्स एज ग्रुप्स के सभी के लिए ही है इधर बैठने के लिए। नीचे डिंग जॉइंट्स भी आ जाते हैं, ऊपर ये आ गया लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स इसके ऊपर है, तो अभी आपको वहाँ भी लेके जाएंगे, अभी आपको हल्दीराम भी लेके जाएंगे। तो अभी तो हम आए हैं, आपको इसको इधर की सारी दिखाते हैं। तो सामने पार्किंग एरिया भी है, तो अभी हम सबसे पहले बॉलिंग करते हैं, देखते हैं बॉलिंग में अभी पहले बॉलिंग करते हैं या क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। बट आप बॉलिंग की इनकी सीट्स देखो कितनी अमेजिंग है, यूनिक कंसेप्ट से अगर चीज़ को बनाया जाए, अच्छे से डिस्प्ले किया जाए तो लाइक उसकी गेटअप आ जाती है और वो अट्रैक्ट भी करता है। तो ये चीज़ सभी को अट्रैक्ट कर रही है और ये चीज़ ही इसका USB है। तो स्नो पार्क की फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ 650 है और बॉलिंग की फ़ीस 300 है, वीकेंड्स पे 300 है, वीकडेज पे 250 है। और जो ये गेमिंग जोन है यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, इधर भी काफ़ी सारी गेम्स हैं खेलने के लिए। नीचे हमारी गाड़ी लगी है पार्किंग पे, आप ढूंढो हमारी गाड़ी कहाँ है, वो देखो वो लगी है सामने थार। मैच ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, बस लास्ट शॉट है, इसके बाद हम आगे निकलते हैं। तो ये लास्ट शॉट मारा है और देखते हैं सारी जाती है नहीं जाती है, लास्ट की दो रह गई। तो हम जीत गए हैं 95 पॉइंट से। तो गाइस अभी हम आ गए हैं लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, तो ये भी बहुत सही लोकेशन है, बहुत सही आइटम बनी है ये, तो वन ऑफ इट्स काइंड है। अच्छा अंदर का इंटीरियर बनाया हुआ है, बैठने के लिए भी बहुत स्पेशियस है और फूड क्वालिटी भी ठीक है, अच्छा है। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, मैंने फूड क्वालिटी टेस्ट किया है, ड्रिंक्स भी अच्छी है, फूड क्वालिटी भी अच्छा है, एम्बियंस अच्छा बनाया हुआ है। तो वैसे हमारा पेट तो फुल हो चुका है, बट फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा हल्दीराम भी जाया जाए, वहाँ भी टेस्ट किया जाए, बिकॉज हम थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं हर जगह, क्योंकि हम सब जगहों का ट्राई करना चाह रहे थे इस बारी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा कुछ ना कुछ स्किप हो रहा था। तो इस बार सोचा कि चलो हर जगह जाके थोड़ा थोड़ा खाते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और अभी हम हल्दीराम आ गए हैं, हल्दीराम भी यहाँ पर इकलौता एक आउटलेट है, आई गेस पूरे हाईवे में कहीं भी नहीं है हल्दीराम का। तो अभी हम धीरे धीरे वापस सोलन की तरफ निकल चुके हैं, अराउंड 8 o'clock हो गए थे, तो अभी हम निकल चुके हैं, आपको ड्राइव दिखाते हैं अपनी। तो गाइज़ रात को हम व्लॉग एंड नहीं कर पाए, तो सोचा सुबह आपको ऑफिस दिखा के फिर व्लॉग एंड करते हैं अपना। तो चलो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, कल देखते हैं, हमारे शायद कुछ चंडीगढ़ के प्लान्स हैं, तो शायद चंडीगढ़ जाना पड़ जाए, तो लेट्स सी कल क्या होता है। आज के लिए बाय 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 बाय। हाँ याद रखना, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा व्लॉग, कमेंट करके बताएं आपको फैंटेसिया जगह कैसी लगी और हमारा ऑफिस कैसा लगा, हमारा हेलमेट कैसा लगा, हमारी सुल्तान कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बाय 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 बाय।
मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आपका। सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।